तो हम लोग जा रहे हैं वायनाड। शांभवी के होने के बाद शायद ये फर्स्ट ट्रिप है जो कि हम लोग इतने सालों के बाद में दोनों अकेले इस ट्रिप पे जा रहे हैं। आई एम एक्साइटेड। यस यस, दैट्स माय पायलटिंग ड्राइविंग। और हम लोग एक ट्री हाउस में रहने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जितना पढ़ा है इसके बारे में और देखा है कुछ भी गई बिल्कुल। तो आगे वीडियो में आपको हम लोग बैंगलोर से निकल चुके हैं, अभी अभी घर से निकले हैं। छोटा सा बच्चा भी है उनका। कौन सी सेंचुरी है ये? बांदीपुर। बांदीपुर टाइगर है। डेस्टिनेशन, दिस इज़ रिवर ट्री। ये एंट्रेंस है, झूला भी है यहाँ पे। चलो हम आपको अपने ट्री हाउस लेके जाते हैं। एंड ये देखिए, ये रास्ता है ट्री हाउस का। You can see jack fruits growing here. एक रास्ता इधर से भी जा रहा है और यहाँ से हम जाएंगे हमारे ट्री हाउस के लिए। ये है हमारा ट्री हाउस। दिस इज़ बिल्ट ऑन स्टिल्स, तो नीचे काफ़ी गहरा है और यहाँ तक पानी आ जाता है ऊपर जब रिवर फ्लोइंग होती है। तो हम नीचे से देख सकते हैं, यहाँ पूरा पानी भरा रहता है नीचे जब मौसम होता है उसका। तो यहाँ से एक और ये रास्ता जाता है इधर के लिए और यहाँ से हमारे ट्री हाउस के लिए रास्ता जाता है। नीचे कुछ खेलने के सामान रखे हुए हैं आर्चरी के लिए और बैडमिंटन वगैरह खेलने के हिसाब से। और ये सीढ़ियाँ हैं, छोटा सा डाइनिंग एरिया है यहाँ पे। और नीचे देखने पे यहाँ हैमक्स लगे हुए हैं कुछ। और वहाँ दूर थोड़ा सा शायद नदी दिख रही है। इस जगह का नाम रिवर ट्री है। एंड दिस इज़ आवर प्लेस। समीर इज़ रिलैक्सिंग। अच्छे बलून्स भी लगाए हुए हैं इन लोगों ने। We have a TV and there's light, fan, AC is there, it's already on. पे जगह है सामान रखने की। This is our bathroom for hot water. There's geyser. Nice, cozy looking small thing. और यहाँ से ऊपर जाके एक और बेड रूम है। सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। So this is how it is. यहाँ पे छोटा सा प्लांट भी लगाया है इन्होंने। समीर तुम कहाँ हो? अब समीर ऊपर रहेंगे और मैं नीचे रहूंगी। Yes. Peace. We live in peace. Sameer lives in peace. पानी और मेरा फोन पास करते बस। तुम तो समाधि लगा के बैठ जाओ। आ रही हो? हाँ मैं ऊपर आ गई। बोर्ड गेम्स हैं यहाँ पे कुछ कुछ। और ये हमारा बेड। चलो क्या खेलें? सो गए। इतने सारे कटहल। चलो चलो हम लोग जा रहे रिवर। बारिश? चलो जल्दी चलो भीगने के पहले। देखो यहाँ पे हैमक्स भी हैं। हम लोग रिवर तक पहुँच पाएंगे कि नहीं? ट्री तक पहुँच गए, अब रिवर ट्री तक पहुँचना। Wow, hammocks. बैडमिंटन खेलने का, अगर समीर की हाथ ठीक होता तो हम बैडमिंटन भी खेलते हैं। राइट हैंड ठीक है, राइट हैंड से खेलेंगे। यहाँ पे देखो एक छेद है, यहाँ पे एक सांप रहता होगा। बारिश आ गई। चल कहाँ चला? वापस आना होगा। देखो कितना सही दिख रहा है। बारिश चालू हो गई। हाँ तेज हो रही है, भागना पड़ेगा। और हम दोनों यहाँ बारिश में फंस चुके हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग गीले भी हो गए हैं और हम यहाँ पे फंस गए हैं। इसके नीचे हम खड़े हुए हैं, शेड के नीचे। बारिश हो रही है। So they do. Go to the left side, then to flying land. You're going to the left side. River, no? Yeah, river and you're going out or up? No, no, no. Here, okay. There is a way to river, right? There's a way to river, yeah. Just be careful, it will be a bit slippery. Slippery. So outside where you say? After the going to the road, then if you go to left side, then it is like river and then palaces and benefits. If you go to right side, then it is coffee plantation, trees and benefits. Main road में जाना है या इधर जाना है? What is closer? This is the very much closer. हाँ, so we'll go from here only, ना? You saying that this will be slippery? This will be slippery, yeah. But will it be muddy also? Yeah, like it. Like this. Yeah, that's fine. Yeah. So, itna hoega. I think we can walk down this way. हाँ हाँ छाता एक ठीक है, दोनों मिलजुल के शेयर कर लेंगे। तो फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक बार जाने का। इनके फार्म में कुछ टर्कीज भी हैं और एक बहुत ही प्यारा सा डॉगी है। लेट मी शो यू। हाय, हेलो, हाय। दिवाली होती तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता डॉगी देख के। एंड देयर आर डक्स। हैन है, कॉक्स हैं। Some lovebirds are there. Turkey will be better. Yeah. Yes. थोड़ा morning time में आएंगे तब we'll see this again. ताकि थोड़ा light में दिखे. But I think we can make out, ना? Yeah. So beautiful. What a beautiful bird this is. Amazing. और अभी अभी बारिश हुई है। आई थिंक दे ऑल आर हैप्पी। इतनी हीट थी अभी, नाउ इट्स क्वाइट प्लेजेंट। एंड यहाँ पे ये डॉगो बंद है। हेलो बेबी, हेलो बेबी, यस। चलो नाउ वी आर गोइंग टू गिव इट अ सेकंड ट्राई। मैंगो ट्री पर झूला लटका हुआ है। यहाँ से चलते ना। हाँ चलो आगे चलो, फिर देन वील वॉक टू द मेन रोड। तो हम आसान वाला रास्ता नहीं ले रहे हैं, हम दुर्गम रास्ता ले रहे हैं। नहीं, दुर्गम नहीं ले रहे हैं, आसान रास्ता ले रहे हैं। चलो फिर आ जाओ। वो पास था और अच्छा नहीं, चलो हम दुर्गम रास्ता ले रहे हैं। तो उसने जो केयर टेकर हैं यहाँ के, जिनका नाम है अजेश, उन्होंने बताया है कि दिस पाथ इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लिपरी, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हम लोग आए थे मगर अब बारिश हो चुकी है। तो यहाँ काई वगैरह है और मैं तो सीधे रास्ते पे गिर जाती हूँ। तो ये तो it's a bit difficult. I have to be careful. Sameer mujhe utha lena. Frog aa kahan? Can you see? Yeah. Ah, looks like a leaf. Oi. Looks like a leaf. क्यों पहला एक्सपीरियंस? हम लोग इतना यू नो, मम्मी पापा, हम लोग ऐसे ऐसे जगहों पे गए ना, यू वुड नॉट इवन इमेजिन। सीरियसली चानी शानू कहीं भी बैठ के खा लेते थे हम लोग, कोई भी जगह इज ओके। कभी भी यू नो, इट वाज नेवर कि है ना आउट ऑफ बाउंड्स है। पापा के गाँव वाँव की जगह भी हम लोग गए कितनी बार। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दिस इज स्लिपरी। ओके, मुझे दिया है छाता, मुझे नहीं चलना आता। ओके Ajesh. He's a vlogger, so you'll probably get. Yeah, I have seen her profile. Almost like 25K is on. Yeah. A good influencer. Thank you. नहीं रुक जाओ. Okay. तुम हो ना साथ में, तुम बचा लोगे। Wow, look at this. parcels. Oh my God. I'm going for the captain. आप आओगे? हाँ देखती हूँ। दो मेरे को दे दो। हाँ लो पकड़ो। आउची। तुमसे तो और पकड़ते बनेगा क्या? ये ये तो नहीं चल रहा ना? चल रहा है। तो उल्टा हो गया। तो सीधा पकड़ो। मेरे उंगली में लगी है ना? अरे ना। छाता मुझे दे दो। ओके। ना मेरी ले लो तुम सारी। ये उंगली तो पकड़ नहीं सकता। नहीं ठीक है। I'll hold. अच्छा this rope is if in case. यहाँ से हम वापस भी आएंगे? Obviously. Oh my goodness. मुझे छाड़ लिया नहीं तुम सकता। Come to a river. Coming out of cave. ये देखो। उसमें देखो। Look at this. यहाँ से आएंगे। अरे वाह, this is so good. यहाँ आके ना फिसल जाए। Now I need to wash my hands. वहाँ जाने की कोशिश करूँ? नहीं रहने दो। Just to wash. Not required. Not required. उसको इसको पकड़ो। पति गुस्सा तरीके होते हैं चीज़ों को रखने के. व्हाट इज दिस प्रियंका. थैंक यू समीर फॉर टीचिंग मी एवरी डे समथिंग न्यू. देखो वहाँ पे एक फिश भी तैर रही है. ओह देयर आर सो मेनी फिशेस. बेटा मेरे हाथ पे कीचड़ लगा यार. मुझे हाथ धोना देख. एक्चुअली रहने भी दे सकते हैं. अभी वापस भी तो गंदा करके ही जाना है ना. रहने दो, मिट्टी अच्छी होती है. ओ लुक एट दैट, देयर इज अ फिश. फिश है वो देख कितनी बड़ी है. नहीं इट्स वन नॉट वन, इट्स सम थाउजेंड फिशेस. या इट्स अ स्कूल ऑफ फिश. हो this they do to scare enemy. Yeah, ताकि लगेगा कि है ना. It's a big fish. Yeah. There are more there. Yes, there's one more school of fish over there. Yeah. This is closer to sea. और पास से देख सकते हैं क्या हम इसे? हाँ, look at that. Now they're joined together. हाँ. Now it's looking like a even bigger fish. Look at that how it's. मुझे actually लगा कि एक fish है. एक और आ रही है उनसे मिल जाएगी. यहाँ पे भी एक छोटा सा एक स्कूल है. I think if I hit a stone, हमेशा डिस्ट्रक्टिव चीजें सोचो. There is more. Oh yeah, see. हाँ हमेशा कुछ डिस्ट्रक्टिव सोचो है ना. अगर इसमें पाँव डाल दोगे तो ये आकर के पाँव काट के वो साफ करने वाली है. अच्छा ये वो वाली है क्या जो पेडिक्योर के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं वो तो और भी छोटी होती हैं. दीज आर अ लिटिल बिगर. ज्यादा जल्दी साफ कर लेंगे. ना रहेगा पाँव, ना रहेगा पाँव, ना रहेगी साफ करने की झंझट. यस तो वी आर लुकिंग एट देम. फिशिंग फिश करके हम करेंगे क्या? दुखी होएंगे उसके बाद कि हाय मछली को मार दिया हमने. कोई फायदा है हमारा फिशिंग का. आके चैन से ना यहाँ पे बैठेंगे. कुछ कॉफी चाय टाइप यहाँ लेके आते हैं, कुछ मंचीज, एंड देन वी कम एंड सिट ओवर हियर लाइक अ ब्यूटीफुल कपल. और हम लोग बातें करेंगे प्यार भरी. ठीक है, वील स्पेंड आवर एनिवर्सरी लाइक दिस. फ्री एनिवर्सरी। मेरे पे एक एक्सीडेंट होने वाला है। कितने साल हो जाएंगे सुमीर अपनी शादी को? अभी मई 12 को। बहुत बहुत क्या होता है कितने साल हो जाएंगे? बहुत क्या हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जब ये फ्लो होती होगी ना, वहाँ पे देखो एक छोटा सा फॉल है उधर पे दूर दिख रहा है, तो वहाँ से ये वो बोल रहा था ना, वो देखो उसमें रॉक में लाइन भी दिख रही है, वो लाइट वाली, तो वहाँ तक पानी रहता होगा आई थिंक। तो मे बी यहाँ तक आता होगा पानी खाने के लिए मछलियों को। वो बड़ी मछली देख के छोड़ देती है। अपन को हो जाएंगे 2003 से अभी 2022 है, बताओ 2000, हाँ 2003 से 19 इयर्स। इसके ऊपर खड़े रहो और उस पे फ्लोट करके यहाँ से वहाँ तक जाना। यहाँ पे इस पे वो रस्सी से पकड़ के बैम्बू। ओके, राफ्टिंग ऐसे होगा, वो पकड़ पकड़ के उधर तक जाने के लिए। So we'll sit on this bamboo का thing। हाँ हाँ हाँ, bamboo rafting है। हाँ तो ठीक है ना, तुम बैठना, मैं राफ्ट कर लूँगी जहाँ तक हो सकता है ना। यू बट सिट, क्योंकि फिर तुम एकदम वो उसमें शेर बन के आ जाते हो ना कि नहीं मैं अच्छा वो करूँगा, फिर देन योर हैंड इज गॉन। अभी समीर के दोनों हाथों में नर्व पेन हो रखा है, उसके कारण बहुत बहुत दर्द है। लुक एट दैट, क्या सही एकदम फिश जैसी दिखता है कि एक पूरी एक ही फिश होगी। मेरे को तो कचरे जैसा दिख रहा है। ओ गॉड, कचरे जैसा। जसपाल भट्टी तोता। तोता नहीं। That's a peacock. Such beautiful greenery, man. चलें ऊपर? जा सकते हैं। क्योंकि फिर अंधेरे में तुमको दिखना बंद। हाँ, दिखना तो मुझे वैसे ही बंद हो जाता है। यहाँ से हमको जाना है ऊपर। This is पूरा ये मड का रास्ता है, पहाड़ को काट के ये बनाया हुआ है। एंड वी हैव जस्ट होल्ड ऑन टू दीज वाइन्स एंड वॉक अप अगेन। यहीं से नीचे आए थे। आई थिंक मैं ऊपर जाने के बाद में ही इसको ऑन करूँगी, क्योंकि फिसलते हुए भी नहीं तो मैं आपको देखूँगी। आई विल टेल यू एट द टॉप इफ आई सक्सीडेड और नॉट। तो मैं नहीं गिरी, आई सक्सीडेड। मैं चढ़ गई और काफ़ी ऊपर तक वाला भी हम चढ़ के आ गए हैं। It was not such a great trek for the pros. तो मेरे लिए बहुत था, तुम्हारे लिए तो आराम का वो था। If your hand was not paining ना, I think they are setting up our dining table. ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं from the tree house, जो कि यहाँ है। We are walking back. शाम होने लगी है, तो इसीलिए अब लाइट कम होती जा रही है। एक्चुअली प्रियांश वाले होते तो यहाँ बच्चे लोग जो हैं उनके साथ उनकी कंपनी अच्छी रहती, बट देन ज़्यादा उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है। वो ये सब हमारे सामान कीचड़ वीचड़ का काम तो करने वाले नहीं है। हाँ जी, अच्छा देर चलो। हाथ हाथ भी नहीं धोए हुए हैं पत्ते से। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है हाथ धोने का, नेचर के वेट टिश्यूज। बस करो सारे गंदे कर दिए। देखो पूरा अच्छा हो गया साफ। अभी तक पानी इसमें है। तुम्हें भी धोना है समीर? नहीं। ये है रिवर ट्री, a hidden gem I would say. So beautiful to stay here. पूरा सिटी से एकदम पूरी तरह से कट ऑफ. अगेन पीकॉक, सिर्फ नेचर साउंड है, थेरेप्यूटिक. The roads are lit. That's nice. और बारिश के बाद अभी सब कुछ धुला धुला सा लग रहा है. हम लोग भी धुले धुले से तो सुबह हम आए, उसके बाद में जल्दी जल्दी से बैग्स वैग्स जमा के अंदर रख दिए, क्योंकि ट्री हाउस के अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है कि हम अपना पूरा का पूरा बैग खोल के उसी में से चलाते. तो इट्स बेटर कि हमने जमा दिया सब कुछ कबर्ड्स में. जमाने के बाद में इट वॉज वेरी कन्वीनियंट. तो उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा नैप लिया क्योंकि बहुत थक गए थे, सुबह से निकले थे. तो और उसके बाद जाके हमने उठ के हम रिवर के लिए निकले थे, मगर तभी बारिश हो गई. एंड देन वी डिड द सेकंड ट्राई एंड वी सक्सीडेड. अब हम कहाँ जा रहे हैं? पैडी फील्ड्स हैं, मगर अब रात हो रही है, हमें पता नहीं फील्ड वील्ड दिखेगी कि नहीं. और इस तरफ कॉफ़ी प्लांटेशन. ओके, दिस इज कॉफ़ी प्लांटेशन. अंधेरे में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक टुमारो वी विल कम अगेन टू सी द कॉफ़ी प्लांटेशन. तो फील्ड इस तरफ कैसे लिया था? आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन My sense of direction after doing over there. अपने को लेफ्ट लेना था, हम सीधे चले गए थे, फिर यू टर्न लेके सीधा फॉग. हाँ, ऐसे फॉग. नहीं कहाँ जा रहे हैं, पहुँच के बताते हैं. सो दिस इज द सनसेट एट द पैडी फील्ड्स. हम लोग अभी वापस आए एंड दे आर ऑलरेडी सेट आर डिनर टेबल ओवर हियर. सो ब्यूटिफुली डन. दिस इज क्यूट. और अब वापस से बारिश चालू हो गई है. यहाँ तो बाहर तो अंधेरा है, बस हमारे घर में ही उजाला है. पावर इज आउट. पूरे गांव में ही पावर नहीं है, तो कोई बात नहीं. यस, क्योंकि मॉस्किटोज अंदर आना चालू हो जाएंगे, तो till now it has been a beautiful, beautiful, you know, time. This is another raste मैंने drive किया. First time I was able to drive for such a long time, just because समीर के हाथ में दर्द हो रहा था, और समीर फिर भी he was insisting कि नहीं नहीं मैं ही drive करूँगा, मैं ही drive करूँगा. He very चालाकली he made me stop on the way. और वहाँ पे चाय पियेंगे करके एंड चाय पी, मैंने भी चाय पी, और छोटे छोटे से कप्स में चाय थी. एंड फिर देन ही वाज लाइक मैं ड्राइव करूँगा, लेकिन नहीं, आई एम गोइंग टू ड्राइव. एंड आई जस्ट वेंट एंड सैट. मैं बोला ठीक है, 1 घंटे में और ड्राइव कर लेते, फिर तो मैंने रोकी नहीं. तो दैट इज़ व्हाट. एंड ही इज़ सो सो स्केयर्ड जब मैं ड्राइव करती हूँ. but what to do. So finally I was able to drive till here, so almost like 4 or 5 hours I drove from Bangalore till here. About 6.5 hour का रास्ता है बेंगलुरु से यहाँ. It was a nice drive, बहुत अच्छा था. रास्ते पर हम पीयूष मिश्रा के गाने सुनते हुए आए हैं और it was nice. अभी उनसे मिले भी थे पीयूष जी से. You want me to hold this for you? Yes, please. Yeah, video. Let me have a moment over here with him. And I really want this because इसको देखा के ना मैं अपने पति को जलाने वाली हूँ कि see who I met, because we both spoke so much and he's also huge fan. एक हमारी गाइड हमेशा बज रहा है. कई शामें ऐसे होती हैं जब सारे दोस्त महफिलें जमा होते हैं, कोक स्टूडियो तो हम लोग इतना बुलाते हैं, चलता रहता है इन लोग. बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके. As the guy is so humble, जैसे उनके गाने हैं वैसे वो भी हैं. चलो फिर आगे बात करते हैं थोड़ी देर के बाद कि हम क्या खाने वाले हैं. यहाँ बारिश हो रही है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ. ये है एक थेरेप्यूटिक आयुर्वेदिक वाटर जो कि येलो कलर का है. यहाँ पे कोई वुड है जिसको ये लोग बॉईल करके इसको बनाते हैं और हर एक केरला घर में ये मिलता है. लोग ग्रो करते हैं इस वुड को और इस थेरेप्यूटिक वाटर को बनाते हैं. इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है. सो आई एम जस्ट ड्रिंकिंग दैट एंड एन्जॉइंग दिस रेन. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ओवर हियर. और साथ ही मैं गीली भी होती हूँ जितनी बार यहाँ पे फुहार आती है. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे. ऐसी बातें क्या ना करो, आज जाने की जिद ना करो. तुम ही सोचो तुम्हें क्यों ना रोके सनम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी सी है मान लो. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे. ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. बिजली चमक गया और हमारा डिनर आ गया है. ये सब क्या क्या है आप वो भी बता दीजिएगा. दाल, ओके, मलबार स्टाइल वेजिटेबल करी, ओके, सोया फ्राई, ओके, केरला पप्पड़म, curd and pickle. All right. Salad. Brown rice. Chapati. Chapati and paratha. very nice and beautifully set up. Everything is really nice. When we came, we got a surprise. It's really a beautiful experience being here. Thank you. There is some water. Yes, thank you so much. Get us that immunity wala water only. Sure, sure. Soya fried rice wala. This is so good. हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि हमें जो खाना है that we don't like very spicy or very oily, तो उन्होंने वैसे ही बनाया है. And this soya thing is amazing. This is very good soya fry. कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा. It's really crispy. And dal and some Malabar style curry है ये. And curd is there, just पे curry leaf डाली हुई है. I think they have fried the soya chops like this with crusty कोई bread का topping के साथ में and curry leaves के साथ में उसको fry करके दिया है. Papadums are there. Oh, so cute. ये serving spoons हैं और पानी इसमें. Such a beautiful thing. Very nice. समीर आ जाइए. अब हम खाने के बाद में आपको बताएंगे कि खाना कैसा था. Samir is coming. And I'm going to sit here. आराम से enjoy करके अब खाना खाने वाले हैं हम लोग.